स्टेट ग्वालियर। सोमवार को दिन भर धार में बादलों की लुका छिपी के बाद शाम को 4 बजे के बाद अचानक से मौसम में बदलाव हो गया। धार में कई जगहों पर हवा और आंधी के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। धार सहित बगड़ी और सादलपुर क्षेत्र में तेज हवा और आंधी चली। वहीं सादलपुर में जमकर ओले भी गिरे और देखते ही देखते पूरा सादलपुर ओले रूपी बर्फ की चादर से ढक गया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दिन भर कभी बादल तो कभी धूप छाई रही, लेकिन शाम होते होते तेज आंधी बारिश हुई, जिसके बाद ओले भी गिरते हुए नजर आए। और देख सकते हैं आप कि पूरे क्षेत्र में किस तरीके से ओले की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। मुरैना के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। अम्बाहा शहर सहित एक दर्जन गांवों में आधा घंटे तक ओले गिरते रहे। लगभग 20 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक के ओले गिरे थे। दोपहर बाद अचानक से मौसम बदल गया था। बारिश की वजह से लोगों को से गर्मी से राहत भी लोगों को मिली है। तो गर्मी से एक तरफ तो लोगों को राहत मिली है, साथ ही जमकर ओले गिरे। मध्य प्रदेश कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई तो कहीं बारिश के साथ ओले गिरे। तो देख सकते हैं कि झमाझम बारिश हुई और जो भीषण गर्मी पड़ रही थी वो भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली, लेकिन उस दौरान लोगों का नुकसान भी कुछ होता हुआ दिख नजर आया। कहीं ओले गिरे तो कहीं जमकर तेज हवा के साथ बारिश हुई। दो तस्वीरें देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में तो तेज हवा के साथ बारिश होती हुई दिखाई दे रही है शाजापुर में। वहीं इंदौर में भी बारिश तो हुई, साथ ही यहां ओले भी गिरते हुए नजर आए। तो बड़े बड़े ओले गिरे हैं और ऐसे में मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया है। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। सपनों के शहर